NBS गुरुकुलम स्कूल यासीन मिल्लत कॉलेज के सामने सिरहे जोग रैया क्लास नर्सरी टू 5 एडमिशन ओपन 15 फरवरी 2022। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर एवं ईमेल एड्रेस पर शीघ्र संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। 2 दिन से गायब पिकअप चालक का शव चीनिया जंगल से बरामद। आक्रोशित मृतक के परिजनों ने शव को रखकर सड़क पर किया अस्पताल चौक जाम। गढ़वा जिले के चीनिया में शनिवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया है। चीनिया थाना पुलिस को सुबह चपकली जंगल में से शव पड़े होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक के चेहरे को हत्यारों ने पत्थर से बुरी तरह से कूट दिया है व उसके सर में गोली का निशान है। मृतक की पहचान गढ़वा थाना क्षेत्र के गांव निवासी उपेंद्र चौधरी के पुत्र रवि रंजन कुमार चौधरी उम्र 24 वर्ष के रूप में की गई है। इधर मृतक के परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम से पहले ही पोस्टमार्टम हाउस से उठाकर अस्पताल चौक के पास रखकर सड़क जाम कर दी और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार दलवल के साथ जाम स्थल पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। जब मृतक के परिजन उसके शव को नहीं हटा रहे थे तो खुद गढ़वा थाना प्रभारी व उनके जवानों ने मिलकर सड़क पर पड़े शव को उठाकर पोस्टमार्टम हाउस लाकर पोस्टमार्टम करा रही है। मृतक के परिजनों का कहना है कि बीते गुरुवार को वह शहर के समिति बाजार में अपना पिकअप वाहन लेकर खड़ा था, जिसके बाद उसे बुकिंग के लिए एक भाड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने कहा कि उसे आखिरी बार गुरुवार को 2 बजे बात हुई थी। मृतक गाड़ी की बुकिंग लेकर जाने से पहले परिजनों को बताया था कि वह चीनिया की ओर जा रहा है, जिसके बाद उसका फोन बंद आने लगा। मृतक के परिजन काफी खोजबीन किए, नहीं मिलने पर परिजनों ने थाना को सूचना दी, जिसका शव आज सुबह जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए जाने वाले ग्रामीणों ने शव को देखा। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। इस संबंध में SDPO अवध कुमार यादव ने कहा कि चपकली जंगल से एक शव बरामद किया गया है, पिछले 2 दिनों से गायब था। पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। पिकअप वाहन चालक की हत्या हुई है अज्ञात लोगों के द्वारा। पिकअप वाहन को अपने साथ ले जाकर वहाँ पर हत्या कर दिया गया है। चीनिया में जंगल में बॉडी मिला, इसकी जांच की जा रही है। सर, कितना दिन से ले गया था? इसकी सूचना कल दे गई थी थाने पर और ये 2 दिन पहले ही से लापता था। हमारा अपना पिकअप था, वहाँ से 2:15 बजे के लगभग वहाँ से निकला पिकअप। एक लड़का कहा चीनिया के जे सामान ले चलना है, वहीं से लेकर के गया। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ लड़का का हो गया, फिर कभी लगवे नहीं किए, कुछ पता ही नहीं चला। तो कौन था जो बोला था कि? जानकारी नहीं। अब अभी क्या हुआ है? अभी तो मर्डर हो गया लड़के का। कितना दिन के बाद पता चला ये? 17 तारीख का 3रा दिन हो गया। तो इसकी रिपोर्ट कहीं के दर्ज करवाए थे आप लोग? हम लोग रिपोर्ट थाना में दिए। क्या नाम हुआ? हमारा उपेंद्र चौधरी। रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप। एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।